नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी जो जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं वो पीटीसी पंजाबी चैनल को लेकर रहेगी और गोल्डन टेंपल के लाइव प्रसारण को लेकर रहेगी। जैसा कि थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, जी हाँ, आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि पीटीसी पंजाबी चैनल की जो टीआरपी है वो अब खतरे में दिखाई दे रही है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीटीसी पंजाबी आज भी नंबर वन पोजीशन पर दिखाई देता है जब भी टीआरपी की बात आती है। उसका एक लौता रीजन है लाइव प्रसारण गोल्डन टेंपल का। जी हाँ, श्री हरमंदिर साहिब का जो लाइव प्रसारण है वो केवल पीटीसी पंजाबी पर ही दिखाया जाता है, टेलीकास्ट किया जाता है और इसके अलावा कोई भी चैनल के पास इसके अधिकार नहीं है। इवन सबसे बड़ा डायरेक्ट टू होम डीटीएच ऑपरेटर टाटा प्ले भी इसका लाइव प्रसारण दिखाने में असमर्थ है क्योंकि यहां पर जो है श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो केवल पीटीसी पंजाबी चैनल को ही अलाउ करती है कि आप जो है इसका लाइव प्रसारण कर सकते हैं। शुरू से अगर हम देखते हैं तो पंजाब में जो है अकाली दल पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तभी से जो है पीटीसी ग्रुप उन्हीं का ही है और उसी पर ही हम गोल्डन टेंपल का लाइव प्रसारण देखते आ रहे हैं। लेकिन आज के समय में प्रेजेंट में सरकार बदल चुकी है, पार्टी बदल चुकी है और नई जो मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की है, उनका यहाँ पर ये कहना है कि हम जो है कैबिनेट में एक नया संशोधन करने वाले हैं और इस नए एक्ट के मुताबिक आपका जो पीटीसी पंजाबी पर केवल गोल्डन टेंपल का जो लाइव प्रसारण हुआ करता है वो ना होकर अब तमाम बाकी चैनलों पर भी हो सकेगा। यानी कुल मिलाकर बात करें तो केवल जो पहले पीटीसी पंजाबी पर ही कुर्बानी का प्रसारण देखा करते थे, अब जो है होगा क्या, इस नए संशोधन के बाद जो बाकी पंजाबी चैनल्स हैं वो भी कुर्बानी का लाइव प्रसारण दिखा पाएंगे अगर वो दिखाना चाहते हैं तो, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। वैसे तो बताना चाहूंगा कि पीटीसी पंजाबी भी आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ही इसका लाइव प्रसारण करता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि बाकी चैनलों को भी इसका अधिकार है तो नहीं, ऐसा फिलहाल नहीं है, लेकिन अब जो है इसका अधिकार मिल जाएगा। इसकी पूरी जानकारी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोस के आगे भी सबसे पहले जरूर मिले। ये वीडियो उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए बेहद अहम रहने वाली है जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, लाइव गुरबानी का प्रसारण देखते हैं और वो भी पीटीसी पंजाबी पर। और खासकर हमने जो है थंबनेल में और शुरुआत में जो आपको बताया कि पीटीसी पंजाबी चैनल की टीआरपी को खतरा मंडराते हुए दिखाई दे रहा है, वो हमने क्यों कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि अभी तक की बात करें तो गुरबानी का प्रसारण केवल पीटीसी पंजाबी पर ही आ रहा है और जब आने वाले समय में पीटीसी पंजाबी के अलावा अगर बाकी चैनलों के द्वारा भी श्री हरमंदिर साहिब का लाइव प्रसारण दिखाया जाने लगा तो पीटीसी पंजाबी की जो टीआरपी है वो ऑब्वियसली डाउन हो जाएगी क्योंकि लोगों के पास और भी विकल्प आ जाएंगे। अब जरूरी नहीं होगा कि लोग पीटीसी पंजाबी पर ही देखें बल्कि और अन्य चैनलों पर भी अगर उनको गुरबानी का प्रसारण देखने को मिल रहा होगा तो वो उस चैनल को भी देख सकेंगे और इससे बाकी चैनलों को भी अच्छी खासी अर्निंग करने का और टीआरपी को बढ़ाने का मौका मिलेगा और हमारे पास भी अनेकों विकल्प हो जाएंगे कि हमको अगर पीटीसी पंजाबी के अलावा किसी और नए चैनल पर देखना हो तो वो भी हम देख पाएंगे। ये काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा पीटीसी पंजाबी पर लाइव प्रसारण रोकने के लिए या फिर उसका जो प्रसारण है वो किसी और चैनलों के साथ बांटने के लिए। केंद्र सरकार का जो एक रूल है और उस रूल के ऊपर जो है आपको कानून लेकर आना पड़ेगा तो ही ये पॉसिबल है, नहीं तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर बात करें तो मौजूदा जो पंजाब में सरकार चल रही है उसको ये कह रहे हैं कि आप जो है इस संशोधन में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते जब तक केंद्र की तरफ से आपको कोई भी राय नहीं मिल जाती। तो आपका क्या कहना है इस राय के ऊपर, आपको क्या लगता है जो पंजाब सरकार यहाँ पर फैसला लेने जा रही है कि पीटीसी पंजाबी के अलावा भी बाकी चैनलों को भी श्री हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल का लाइव प्रसारण दिखाना चाहिए, तो ये क्या उनका सही फैसला है या नहीं है, या आपको लगता है कि पीटीसी पंजाबी पर ही जो है ये काम रहे तो बेहतर है। जो भी आपके मन में सवाल हो सुझाव हो नीचे आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन आपको मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आने वाले समय में ये किसी और अन्य चैनलों पर भी दिखाया जाने लगा तो उसके बावजूद भी पीटीसी पंजाबी की जो टीआरपी होगी वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी बनी रहेगी। उसका रीजन ये है कि बहुत से लोग जो है वो इस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि आज के समय में पीटीसी पंजाबी के अलावा बाकी चैनलों पर भी इसका लाइव प्रसारण होने लगा है क्योंकि लोगों की जो सोच है मेंटेलिटी है या हम जैसे जिनको मालूम है कि शुरू से ही अगर गुरबानी का लाइव प्रसारण देखना हो तो पीटीसी पंजाबी को लगाना होगा, तो उन लोगों की सोच को बदलना और उनको बताना समझाना कि भाई पीटीसी पंजाबी के अलावा बाकी चैनलों पर भी इसका लाइव प्रसारण होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पंजाब के लोगों में ये जो है एक बन चुका है कि भाई पीटीसी पंजाबी लगाओ अगर हमने गोल्डन टेम्पल का लाइव प्रसारण देखना है तो।